प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु जी। इस नित्य आराधना में प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। हमारे दिलों के राजा, हमारे परिवारों के राजा, हमारे संग राजा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। हम आपके समस्त दास दासियों की प्रार्थनाएं, जिस तरह मूसा तुम्हारे लिए मध्यस्थ बना था उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार प्रभु इस नित्य आराधना में तुझे चढ़ाते हैं। तेरे इस अयोग्य दास दासियों की प्रार्थनाएं सुन और ये तुम्हारे लिए कबूल हो। पिता परमेश्वर, सत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जब जब हमने सोचा कि हम अकेले हैं, तब तब प्रभु ने हमसे कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, सदा सर्वदा महिमा के योग्य प्रभु, अब और अनंत काल तक तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब जब हम यीशु का नाम लेते हैं, तब तब हम ये घोषित करते हैं कि यीशु हमारा है और हम यीशु के हैं। सारी मानव जाति को एकमात्र नाम दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, और वह नाम है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए
वही नाम को हम मुस्कुराते हुए पूरे हृदय से आनंद के साथ ऊंची आवाज में गाते हुए उसके नाम की हम दुहाई दे, उसके नाम की हम प्रशंसा करें, उसके नाम की हम स्तुति करें। जिस तरह जब भी हमें कोई हमारे नाम से पुकारता है हम उसे पलट कर देखते हैं, ठीक उसी तरह जब जब इस धरती पर यीशु का नाम लिया जाता है प्यारे विश्वासियों, वह हमारी ओर देखता है, वह कान लगाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आइए यीशु का नाम लेते हुए हम उसकी आराधना करें। जीसस, आइए मुस्कुराते हुए हम गाएं, पूरे आनंद के साथ हम हमारे सृष्टि कर्ता का नाम ले, यीशु, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले, पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले, अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है यीशु, अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, yes, Lord, पिता सर्वदा शांति का राजा है यीशु, साधों पर प्रभुता है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा, कांधों पर प्रभुता है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से हम यीशु का नाम ले, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु ने सारे जिम्मेदार, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान अध्याय 3 वचन संख्या 1-10 में हम देखते हैं, पेत्रुस और योहन सुंदर नामक फाटक के पास एक लंगड़े से मिले। पेत्रुस ने कहा, ना तो मेरे पास चांदी है और ना सोना, लेकिन जो मेरे पास है वही मैं तुम्हें देता हूँ। प्यारे विश्वासियों, पेत्रुस ने हमारे चंगाई दाता का नाम लिया, वही नाम जिसके सुनते ही बीमारियां डर कर भाग जाती है, हालेलुया, वही नाम जिसके सुनते ही गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, वही यीशु नाम जिसका नाम सुनते ही शैतान डर कर भाग जाता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस ने कहा, ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो, और उसी क्षण लंगड़े के पैर में बल आ गया, हालेलुया, 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 वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और निरंतर यीशु की स्तुति करने लगा, हालेलुया, हालेलुया। यह है ताकत हमारे यीशु के नाम की। आइए फिर से इस गीत को गाते हुए हम उसके शक्तिशाली नाम की दुहाई दे, वही नाम जिसमें प्रत्येक मानव जाति का उद्धार है। फिर से खुशी के साथ हम यीशु का नाम ले, जीसस, जीसस, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा, हाँ प्रभु जी, सारी जनजाति स्तुति करे, तेरी स्तुति करती है प्रभु, प्रभु की सेना, सारी स्वर्ग की सेना यीशु, यीशु की स्तुति करे, तेरी स्तुति करती है प्रभु, सारी धरती के लोग तेरे लिए गाते हैं प्रभु, यीशु की स्तुति करे, हाँ यीशु, प्रभु की सेना, यीशु की स्तुति करे, यीशु चाहिए सारा जो कुछ भी तूने बनाया प्रभु, सब तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, यीशु नाम है,
प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचनों को सुनने वाले हैं। हमें पवित्र आत्मा की बुद्धि और कृपा दे कि हम वचनों को समझ सके और उनके अनुसार एक अच्छा जीवन जी सके। आमीन। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आर्कएंजल्स का त्यौहार मनाते हैं। आज के मनन के लिए माता कलीसिया हमें संत योहन के सुसमाचार से पहले अध्याय से हमें सुसमाचार मनन के लिए देते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पसंगिया 47 से लेकर, ईसा ने नथनायल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इसराइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनायल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने पर उसके पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनायल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इसराइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो।
तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उनको ये भी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। नथनायल एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में प्रभु ने कहा है कि यह एक सच्चा इसराइली है, या एक यह सच्चा इंसान है, इसमें कोई कपट नहीं। बड़े ही सुंदर वचन है प्रभु के। नथनायल के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। अगर नथनायल के बारे में आपको याद नहीं आई तो मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रभु से मुलाकात के पहले जब फिलिप नथनायल से मिले तो फिलिप ने कहा, मूसा ने संहिता में और नबियों के विषय में जो लिखा है वही हमें मिल गया है, वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र है। नथनायल को प्रभु को इंट्रोड्यूस करते हुए फिलिप कहते हैं, फिलिप ने प्रभु के चमत्कारों को देखे थे और ये मालूम उनको शायद पड़ा होगा कि यीशु जो है वह जो संहिता में कही गई भविष्यवाणी की गई वही व्यक्ति है जिसका हम इंतजार करते हैं। तो इस विषय में नथनायल को रिपोर्ट करते समय, जैसे मैंने अभी अभी कहा, फिलिप कहते हैं, तो नथनायल क्या कहते हैं, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? नथनायल का ये जो कथन है यह प्रभु का उस कथन के साथ रखकर देखना चाहिए जहां पर प्रभु कहते हैं, देखो यह सच्चा इसराइली है, इनमें कोई कपट नहीं है। नथनायल का छोटा विजन, या एक प्रकार से बताया जाए बायस्ड विजन, और उसके मुकाबले में प्रभु का एक प्रकार का सारी चीजों को समेटते हुए पूर्ण विजन। नथनायल किस प्रकार का एक व्यक्ति था प्रभु पूरी तरह से जानते थे, लेकिन प्रभु कैसा था नथनायल थोड़े ही जानते थे। जैसे फिलिप ने उनसे कहा उसी के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा कि वह नाजरी है, नाजरी का जो प्रथा है उसके अनुसार एक बायस्ड विजन प्रभु के बारे में उन्होंने बनाया था। क्या नाजरत से कुछ अच्छा होना संभव है? प्यारे भाई और बहनों, बायस्ड होना हम इंसान के लिए एक प्रकार से बताया जाए स्वतः सिद्ध अधिकार जैसा है। हम किसी को भी देखकर अपने अपने जजमेंट्स लगाते हैं। जब आप लोग मुझे देखते हैं आपके मन में भी कुछ जजमेंट जरूर आया होगा, कुछ अच्छे कुछ बुरे। और इस प्रकार स्वतः ही हम इंसान एक दूसरे के प्रति उनके वेशभूषा, भाषा, व्यंजन, चलना, सब चीजों को जोड़ते हुए अपने अपने एक जजमेंट निकालते हैं। अक्सर वो बायस्ड होते हैं। जैसे नथनायल ने कहा, क्या कुछ अच्छी चीज नाजरत से आना संभव है? विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु नाजरी है, विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ अच्छा इसराइल से, नाजरत से होना संभव है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारे विजन देखने की का तरीका
बोलने का तरीका, किसी को जज करने का तरीका अक्सर बायस्ड होते हैं। वो इस प्रकार का व्यक्ति है, उससे ज्यादा बातचीत नहीं। वह कुछ अच्छा भी कर ले तो विश्वास करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति है। एक प्रकार से बताया जाए बहुत ही बायस्ड एवं कलर्ड हमारा जजमेंट। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि प्रभु किस प्रकार नथनायल को संबोधित करते हैं। एक सच्चा इसराइली, एक सच्चा इंसान, इसमें कोई कोड नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अधिकतर जो झगड़े होते हैं उसका मूल कारण भी इस प्रकार का जजमेंट्स होते हैं। हम किसी को भी उनकी भाषा, उनके रहने का स्टाइल और उनके बातचीत करने का तरीका, भोजन करने का तरीका, वो अपनाए हुए धर्म, अलग अलग चीज़ों के परिप्रेक्ष्य से जज करते हैं। पर ये वास्तविक होना जरूरी नहीं है। नाजरत से प्रभु का आगमन हुआ है, जबकि नथनायल का कहना था कि वहां से कुछ अच्छा होना संभव नहीं है। वेरी पार्शियल विजन। हमारे समाज में फूट पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि हम किसी से इसलिए बैर करते हैं कि क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। समाज में, परिवार में, देश में अलग अलग इस प्रकार का फूट का एक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार का बायस्ड जजमेंट है। हम किसी के भी प्रति, किसी का भी जजमेंट इसलिए करते हैं कि वह हमारे जैसे नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, उसके परिप्रेक्ष्य में हम प्रभु का जजमेंट को देखते हैं। वो नथनायल को किस प्रकार पुकारते हैं, द होलिस्टिक जजमेंट, पूरी तरह से उस व्यक्ति को जानते हुए कहते हैं इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई कपट नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, किसी को भी जज करना हमारे ही पूर्वा अनुमान के अनुसार स्वाभाविक है। मैं करता हूं, आप भी करते हैं, और कभी कभी हमारे जजमेंट, और शायद अधिकतर समय हमारे जजमेंट सही नहीं होता है। हमारा कोई पूर्व अनुमान इसलिए बनता है कि हमारा कोई अनुभव हो, बुरा अनुभव हो, उसके परिप्रेक्ष्य से हम किसी भी व्यक्ति को या एक ही व्यक्ति को बुरा करार देते हैं। यह जरूरी नहीं है, किसी से भी कोई गलती हो सकते हैं और उसके कारण उस व्यक्ति को पूरी तरह से बुरा मानना ये प्रभु भी नहीं चाहते। नासरत से कुछ अच्छा होना संभव है, नथनायल पूछते हैं। हम अक्सर हमारे आसपास के लोगों के बारे में भी इस प्रकार जजमेंट करते हैं, इस व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है तो ये तो ऐसा है, ये मेरी पत्नी है, ये से कुछ क्या कर सकती है, मैं तो जानता हूं ये मेरे हस्बैंड है, इससे कोई अच्छा उम्मीद करना सही है। इस प्रकार का प्रेजुडिस्ड जजमेंट, बायस जजमेंट, कलर्ड विजन, प्यारे भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति को अपनाने के लिए, किसी भी समाज को अपनाने के लिए हमें हमारे इस धूमिल विजन को दूर रखना जरूरी है। जिस तरह प्रभु एक व्यक्ति को होलिस्टिकली समझा,
पूरी तरह से समझा, उस प्रकार का एक समझाइश की जरूरत है। हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में दरार इसलिए पड़ते हैं कि कभी कभी हम लोग हमारे जजमेंट के अनुसार दूसरों को देखते हैं, जो वास्तविकता से दूर भी हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी के ऊपर जब गलत निर्णय लेते हैं, जब गलत जजमेंट करते हैं, नथनायल का वो कथन हमारे पास, हमारे दिमाग में हर समय गूंजे, क्या नाजरत से कोई अच्छा होना संभव है? याद दिलाना चाहूंगा, नाजरत से प्रभु का आगमन हुआ है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, कृपा दे, वरदान दे, जिसके साथ में हम लोग बायस्ड जजमेंट ना करें। आमीन। तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 5 में वचन कहता है, सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। हमारा प्रभु, हमारा राजा, विनम्र, विनीत, दयालु, करुणामय ईश्वर हमारे लिए अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तित करते हुए इस वेदी के ऊपर हमारे लिए आया है। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह इसराइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, हमें, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे व्यवसाय और खेती बाड़ी को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में आए हैं। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जब अन्ना, एलकाना की पत्नी अन्ना हृदय खोलकर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तब उसकी सुनवाई मेघों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंची। आज हम अपने हृदय खोलकर अपनी सारी याचनाओं को, सारी प्रार्थनाओं को, सारी अर्जियों को प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे श्री चरणों में डेविड, रोशन और सुषमा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी, उन दोनों के परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। तेरी इच्छा आज उन दोनों के जीवन में, उनके परिवार में पूर्ण हो जाए। प्रभु हम लक्ष्मी मार्को को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, लक्ष्मी मार्को के परिवार को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दे, और लक्ष्मी को सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दे। करुणा सागर यीशु, जॉली को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं। बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न होने पाए। जीता तिग्गा जो अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों से ग्रस्तित है, प्रभु उसे चंगाई दीजिए। करुणा सागर यीशु, सुधीर कुमार शर्मा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दीजिए।
उसकी पत्नी सुशीला बारा और बेटी एलिजाबेत बारा को पवित्र आत्मा के कृपा और दानों से भर दे, विश्वास में आगे बढ़ने का दान दे। माँ क्लेमेंट बारा को प्रभु सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए। प्रभु जी अनीसा मांझी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, हेनरी बर्नार्ड को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, मनोज और विजय को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, रिजियोस और विलियम को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, अलेक्स को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के नशे की आत्मा के बंधन से मुक्ति दे। प्रभु जी प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 इन सारे इन भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी ओर हाथ फैलाते हुए तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 143 वचन संख्या 1 में राजा दाऊद बताते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे, अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर। प्रभु हम दुर्बल और दीनहीन मानव अपने नहीं बल्कि प्रभु तेरे बुलाने के कारण इस समय तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित, तेरे सम्मुख उपस्थित है। हम अपनी सारी दुखों को, दर्द, कष्ट और पीड़ाओं को, रोगों को चढ़ाते हुए तेरे तुझसे प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु आराव जोयल रुंडा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, बुखार के रोग से चंगाई दीजिए। एस्तेर और एज्रा को प्रभु सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए। रोशन को बैक पेन से चंगाई दीजिए। सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्ति प्रदान कीजिए। नशे की आत्मा के बंधन से छुटकारा दीजिए। मार्गरेट लकड़ा टेटे को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, कोर्ट केस में फंसी हुई है, प्रभु तू अपनी इच्छा, अपनी न्याय प्रियता और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप उसके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे और उसे अच्छे स्वस्थ लाभ प्रदान कर। रोशन और नीलू को चढ़ाते हुए दुहाई देते हैं, निसंतान दंपत्ति है प्रभु, संतान का दान दे। अरुणाचल प्रदेश से कामिंग को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु संतान का दान दीजिए, इसके लिए हम दुहाई देते हैं। करुणा सागर यीशु अलका एंटोनी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, सुखेंसी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे संतान का दान दे। तू वही प्रभु है जो एलिजाबेथ की को कृपा प्रदान की और उसे संतान का दान दिया, बांझपन दूर किया प्रभु, अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप उन्हें संतान का दान दीजिए। रजनी कुल्लू को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी प्रकार के शारीरिक रोग से विशेषकर हर्निया के रोग से पूर्ण चंगाई दीजिए। हे प्रभु इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ जुड़कर तेरी ओर बड़ी आशा के साथ निहारने वाले उन सारे भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में आशीषित प्रदान कर दीजिए।
प्रभु जी उन सभी बेनिफेक्टर्स को चढ़ाते प्रार्थना करते हैं जो इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे वचनों की घोषणा करने में सहायता प्रदान करते हैं, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनके परिवार में, कामकाज में, खेती बाड़ी में 100 गुना आशीषित करने की कृपा कर प्रभु। इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर दुहाई देते हुए प्रार्थना करते शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। Hallelujah, Yesu ki jai।